अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में देखे जाने वाली यह डिवाइस एक 5 KV की सोलर ड्राइव है, जिसको 250 से 380 वोल्ट DC तक दिए जा सकते हैं, और यह आपको आउटपुट पर 220 to 250 वोल्ट आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक AC आउटपुट देगी, जो कि प्योर साइन वेव होगी। इस सिस्टम में हमने कुछ अल्टरेशन भी किया है, और इसके साथ एक चेंजओवर रिले और कुछ कंट्रोल लगाए हैं, जिनकी मदद से इस डिवाइस को किसी भी लोकल स्क्वेयर वेव UPS के साथ लगाकर उससे साइन वेव आउटपुट हासिल की जा सकती है। ये डिवाइस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब तक आपका UPS बैकअप मोड पर होगा, ये ड्राइव ऑन रहेगी और आपको ड्राइव की मदद से आउटपुट पर AC वोल्टेजेस मिलते रहेंगे। आप इसको AC और DC दोनों आउटपुट दे सकते हैं। इसके अंदर एक ब्रिज लगा हुआ है, जो कि आने वाली आउटपुट को अपने रिक्वायरमेंट पोलैरिटी के मुताबिक DC में कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें हमें पोलैरिटी का भी कोई खास इशू नहीं रहता। और जब तक आपकी डिवाइस बैकअप मोड पर रहेगी, तब तक ये जो उनसे है ना ड्राइव चलती रहेगी और आपको आउटपुट AC मिलती रहेगी। और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई ऑन होगी, तो हमारी ये डिवाइस शट डाउन हो जाएगी और सारा का सारा लोड डायरेक्ट AC इनपुट पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस डिवाइस को हम प्लग इन करते हैं और इसकी वर्किंग चेक करते हैं। तो डिवाइस हमने प्लग इन कर दी है, मैंने बेसिकली इसे अपने UPS के साथ लगाया है, ताकि UPS से निकलने वाली स्क्वेयर वेव आउटपुट को साइन वेव में कन्वर्ट किया जा सके। तो इस टाइम जो सा है हमारा जो UPS है, उसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो इसको हमने 260 to 259 पर एडजस्ट किया गया है। इसकी इनपुट पर 259 वोल्ट AC आ रही हैं, जो कि फर्दर हमारे AC 380 वोल्ट DC में कन्वर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं हमें के आउटपुट क्या मिल रही है। इस टाइम हमें 239 वोल्ट AC की आउटपुट मिल रही है, और इसी के साथ साथ हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो अब हम इस पर अपना आउटपुट लोड लगाते हैं और देखते हैं कि लोड कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। ड्राइव प्लग इन होने के बाद घर की ग्रिड में मुकम्मल एडजस्टमेंट करने के बाद ये 226 वोल्ट दे रहा है, जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ हैं, और इसकी आउटपुट वेवफॉर्म काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रही है। इसमें किसी किस्म का कोई नॉइज़ नहीं है, क्योंकि इस फ़ैन की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है और इसके साथ साथ फ़ैन में किसी किस्म का कोई नॉइज़ नहीं है। तो हमारी डिवाइस इस टाइम बेहतरीन किस्म की वर्किंग परफॉर्म कर रही है। इस तरह से एक स्क्वेयर वेव UPS के साथ इस ड्राइव को लगाकर उसकी आउटपुट वेवफॉर्म को साइन वेव में कन्वर्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसके साथ डायरेक्ट सोलर पैनल लगाकर भी आउटपुट ली जा सकती है, जो कि AC होगी, और इसके साथ ना किसी ग्रिड सप्लाई वोल्टेजेस की ज़रूरत है और ना ही बैटरीज की ज़रूरत है। मज़ीद किसी फर्दर इंफॉर्मेशन और इस ड्राइव से मुतल्लिक किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।